आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्टर्स एंड कंडक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको ओ हमला में बताया था कि हमारे पास करंट जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज। और वहां पर जो कंस्टेंट आया था उसको हमने कहा, क्या कहा था, कंडक्टर्स, जिसको हम क्या करते हैं, जी पर डिनोट करते हैं। कंडक्टर्स इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मोमेंट फराहम करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ बैटरी यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड ऑफ दैट कंडक्टर हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ए एंड बी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो लेटर्स ऑफ एटम्स जो है इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए अपोजिशन फराहम करेंगे, एक मुखालिफत, एक रुकावट फराहम करेंगे। यानी जिस कंडक्टर में हमारे पास ये रुकावट कम होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में जब इजीली मोमेंट करेगा, जब इजीली क्या करेगा, मोमेंट करेगा, तो ये कंडक्टर हमारे पास गुड कंडक्टर होगा और इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। क्योंकि हमने जैसे डिफिनेशन में बताया है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस कम होगा एक कंडक्टर में, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम फराहम होगा, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो होगी इस कंडक्टर की, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। मैथमेटिकली इसको हम कैपिटल जी पर जाहिर करते हैं। किस चीज पर जाहिर करते हैं, कैपिटल जी पर जाहिर करते हैं। और जैसा कि हमने डिफाइन भी किया है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सो मैथमेटिकली हमारे पास आएगा, दैट इज जी विल बी इक्वल टू 1/r, जी विल बी इक्वल टू 1/r, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। अब इसकी यूनिट की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रेसिस्टेंस का यूनिट, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम है। क्या हमारे पास, ओहम है। तो इसका यूनिट हम जब हम लगाते हैं, दैट इज 1/ω, अगर ओमेगा को हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ओमेगा इनवर्स। तो इसका एक यूनिट हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा इनवर्स। दूसरा अगर हम लेते हैं, दैट इज ओमेगा की यूनिट का जो नाम है, दैट इज ओहम। अगर इसको हम यहां पर लेंगे, दैट इज ओ एच एम, इसको अगर आप इनवर्स लेते हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे, मोहो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोहो। तो हमारे पास दूसरा यूनिट इसका आता है वो है मोहो, एम एच ओ। इसको उलट, ओहम को उलट करके क्या आएगा, ये मोहो आएगा, सही है। और 1860 में कंडक्टर्स का जो यूनिट इस्तेमाल होता था वो क्या था, सेवन। क्या था, सेवन, दैट इज एस आई टी एन ई एन, और इसको हम कैपिटल एस से जाहिर करेंगे। दूसरा जो यहां पर टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी। क्या हमारे पास, कंडक्टिविटी। तो दो फिनोमेना मैंने आपको इससे पहले पढ़ाए हैं, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का और दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो ये दूसरा फिनोमेना जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इसको हम सिग्मा से जाहिर करते हैं, इसको हम किससे जाहिर करते हैं, सिग्मा, दैट इज सिग्मा। और हमारे पास क्या है, मैथमेटिकली सिग्मा विल बी इक्वल टू 1/ρ। रो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है। तो जैसे कि हमने डिफाइन किया, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मैथमेटिकली हमारे पास आएगा, दैट इज सिग्मा विल बी इक्वल टू 1/ρ। और इसका यूनिट हमारे पास जब आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंडक्टर्स जो है हमारे पास ये प्रोपोर्शनल है एरिया ओवर लेंथ, एरिया ओवर लेंथ। यानी यहां पर इस फिगर को अगर आप देख लें, यहां पर इस ये एक क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ अ कंडक्टर है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा से ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट, ये सी, सी नंबर आपको जो नजर आ रहा है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो आजादाना करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो आजादाना करेंगे एज कंपेयर टू दैट सी, सी नंबर फिगर जो है इस पर। तो यहां पर कंडक्टर्स क्या होगा, इसका अच्छा होगा, कंडक्टर्स क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा।
तो G जो है वो proportional है area और G inverse है length. अगर हम एक conductor का length ज्यादा करते हैं तो flow of electron ज्यादा नहीं होगा. सही. तो हमारे पास conductors जो है वो आ जाता है A और N. और दूसरी side को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो concept of proportionality आती है उसको conductivity कहते हैं. That is sigma. That is sigma. तो मैं mathematical form की तरफ आ रहा हूँ तो यहाँ पर एक method ये है. That is G will be equal to sigma A divided by N. और इस जगह हम ये निकालते हैं that is sigma will be equal to G L over A. G L over A. और अब हमने पढ़ा है conductors में that is G हमारे पास 1 over R के बराबर है. किसके बराबर है 1 over R? अगर G की जगह हम 1 over R लगाते हैं तो हमारे पास sigma की value जो आती है that is L over R A. Directly जब हम करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि resistivity जो है वो हमारे पास बराबर है R A over L. किसके बराबर है? R A over L. अगर इस ये value हम इस equation में लगाते हैं तो ये equation हमारे पास बन जाती है that sigma will be equal to 1 over R A over L. L ऊपर चला जाता है तो हमारे पास आ जाता है that sigma will be equal to L over R A. That is the mathematical form of conductivity. That is the mathematical form of conductivity. दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि conductors हमारे पास it is the quality of a device. It is the quality of a device. और conductivity जो है ये हमारे पास quality of the material. यानी जो material अच्छा होगा, flow of electron वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा flow करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा flow करेंगे, जैसे कि हमारे पास copper wire है. सही. unit की जानिब हम आते हैं conductivity की. जैसे कि इस equation से आपको जाहिर है कि length का जो unit है हमारे पास क्या है? meter. resistance का unit क्या है हमारे पास? ohm. एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर. जब हम इस पे पुट करते हैं यूनिट तो हमारे पास ये मीटर इससे एक मीटर को काट देता है, स्क्वायर को हम खत्म कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? 1 ओवर ओहम मीटर. अब ओहम क्या है? इनवर्स है. इसको जब हम सिंबल के लिए हाथ से लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा इनवर्स. और मीटर को भी हम जब ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? मीटर इनवर्स. तो हमारे पास इसका एक यूनिट बन जाता है ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स. किस चीज का? कंडक्टिविटी का. किस चीज का? कंडक्टिविटी का. अगर इसको हम लफ्ज जो है हमारे पास ओहम इसके हिसाब से लेंगे, जब ओहम को आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसको इसको उल्टा पढ़ेंगे. कैसे पढ़ेंगे? उल्टा पढ़ेंगे. हमारे पास आएगा मोहो मीटर इनवर्स. मोहो मीटर इनवर्स. और 1860 में जो यूनिट यूज होता था सेवन के हिसाब से अगर हम इसका यूनिट अगस करें तो हमारे पास आएगा सेवन मीटर इनवर्स. क्या आएगा हमारे पास? सेवन मीटर इनवर्स. दैट इज S will be equal to M इनवर्स.